हेलो नमस्ते। और हम आए हैं आज पूजा के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें पूजा करानी थी, एक्चुअली ब्लॉग शूट नहीं करने वाली थी, फिर मैंने कहा यार चलो ब्लॉग शूट करते हैं। बब्बल बैठी है यहाँ पे और ये देखो गन्नू को कुछ नहीं, जैसे एक पंडित जी आते कहते हैं रामलीला वाला इसको मिल गया है, आराम से मस्त खेल रहा है। ये देखो ये मोबाइल से कनेक्ट रहता है क्या? ये नहीं नहीं कैमरा ही है ये। अच्छा, हाँ मोबाइल से नहीं, हाँ 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 मोबाइल में ट्रांसफर हो जाता है। हाँ तो बस यही पे हम लोग आए पूजा करने के लिए। तो पूजा जो करेंगे वो पापा ही करेंगे, बस इनका इनका काम नहीं है। और गाड़ी नहीं चलाई, ये देखिए नहीं आवाज पंडित जी बनने का अच्छा लगेगा। अभी दिखा दे रहे पंडित जी की कितनी सारी सामग्री लगती है, अभी तो जब बनेगा तो नहीं खींच रहे पंडित जी, अभी वीडियो बना रहे हैं। हाँ ये और इसके अंदर अभी भी बहुत सारा सामान है, ये इतना सब सामान लगा है। यहाँ पे ये फूल रखे हैं, ये दियाली रखे हैं। हाँ दिखता रहे तो उसे बढ़िया आएगा तो बनाओ तो अच्छा। और ये सारा सामान सब पूजा के लिए है। हाँ और क्या जो बचेगा वो बचेगा, ऐसे आ जाएगा नहीं। हाँ 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 पंडित जी बर्ती हटावा, बर्ती हटाए तो वही एक बर्तन टिका के रखा ले लीजिए तब उधर काम होता है, तुम इसी का पैसा लेती हो। सब आए का बाहर अच्छा ये भी पत्ते हैं, नींबू निकाल के सब है। नींबू की आप तरफ तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको थोड़ी सी पूजा के बारे में बता देती हूँ। तो ये जो पूजा है ये हो रही है मात्र नवमी वाले दिन, और ये पूजा जो करेंगे वो पापा करेंगे। ये पूजा जो होती है वो गंगा किनारे होती है, यानी कि इलाहाबाद में होती है, बनारस में होती है। अब हम इलाहाबाद के हैं इसलिए हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हम यहाँ पे पूजा करा रहे हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं पूजा कराने के लिए, और साउथ से तो बहुत सारे लोग इस टाइम पे यहाँ पे थे, बहुत सारे लोग। और यहाँ पे आपको अपने कुल के जो पंडित होते हैं उनको ढूंढना होता है, यानी कि आपके गांव के जो पंडित हैं, आपके एरिया के जो पंडित हैं, वहाँ यहाँ पे आपको वो मिलेंगे, आपको उनसे पूजा करानी है। तो जो हमारे घर के जो पंडित जी थे तो उनको जाहिर सी बात है सारी चीज़ें पता थी, तो उन्होंने ही पहले से ही सारी तैयारी करके रखी थी। और ये आप देख रहे हो ये बिल्कुल गंगा जी के किनारे हम लोग बैठे हुए हैं, जो लेटे हुए भगवान जी का मंदिर है हनुमान जी का, बस उसके पास में ही हमने वहाँ पे पूजा कराई है। और बहुत सारे लोग तो यहाँ पे बाल भी दान देते हैं। और ये पूजा पापा को करनी थी, और इस पूजा के लिए यस बहुत टाइम से, मतलब मेरे ख्याल से जब मेरी शादी होके आई है उसके एक साल के बाद से ही ये हो रहा था, ये पूजा हमें करानी है। क्योंकि हमने काफ़ी सारे पंडित जी को दिखाया तो इनके ऊपर और भैया दोनों लोगों के ऊपर पितृदोष आता है, और जो पितृदोष आता है तो फिर बहुत सारी दिक्कत होती हैं, बहुत परेशानियाँ होती हैं आपके घर में, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी वजह से ये था कि पूजा हमें करानी भी थी। तो अब ये था कि यार अब कब कराएं, तो हमने कहा श्राद्ध में कराने से अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसके लिए पता है कि बहुत सारी सामग्री चाहिए होती है,
और इसका अगर मैं खर्चे की बात करूँ तो इसका खर्चा आता है 12 से 13 हज़ार रुपये तक, मतलब 15 हज़ार के अंदर आपका ये हो जाता है। हम उसी शहर में कर रहे हैं तो मैं आपको खर्चा बता रही हूँ, लेकिन अगर आप कहीं बाहर दूसरे शहर में जाएंगे तो ये पूजा कराने के लिए तो थोड़ा सा खर्चा आपका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये पूजा कराते हैं, अगर आपकी कुंडली में ये दोष है तो आपको पूजा करानी चाहिए। जैसे कि पापा हैं तो, और ये पूजा जो होती है, मैं थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे पता है तो मुझे लगा आपके साथ ज़रूर बताऊं, ये पूजा जो होती है इससे क्या होता है, 3 पीढ़ी आपके ननिहाल की और 3 पीढ़ी आपके इधर की, मतलब दोनों की 3-3 पीढ़ियाँ उनके नाम लिखे जाते हैं, उन वो तर जाते हैं ऐसा कहा जाता है। और स्पेशली ये पूजा आपको पता है हमारे यहाँ मम्मी नहीं है और मम्मी के साथ में इनकी एक बहन, उनकी भी काफ़ी कम उम्र में डेथ हो गई थी तो उनका भी है थोड़ा सा, तो फिर यही है कि मम्मी नहीं है उनके, तो उन दोनों लोगों के नाम गेल पे हमने स्पेशली पूजा कराई है। और पूजा के बाद ही ऐसा फील होता है कि जैसे कि मम्मी का हाथ हमेशा सर पे रहे। एक्चुअली मैं पापा नास्तिक आप कह सकते हो कि वो नास्तिक हैं, वो भगवान को नहीं मानते हैं, इस वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे धर्म में होती हैं बट वो नहीं मानते हैं। लेकिन जब से मैं आई हूँ मैंने, मतलब ये भी नहीं आपको मना भी नहीं करेंगे कभी कुछ ही करने के लिए, उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया पूजा नहीं करो व्रत नहीं करो ये नहीं करो, कभी नहीं कहते कुछ भी, बस ये है कि वो नहीं करते थे ज़्यादा तो। लेकिन फिर भी कोई नहीं, धीरे धीरे मैंने एकदम बोलना शुरू किया तो अभी पापा काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं तो हमने बहुत मनाया। और स्पेशली पता है आपको लोगों को, ये सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीज़ें पापा गन्नू के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैंने स्पेशली कहा था पापा गन्नू बीमार रहता है ना तो बस उसके लिए, तो बस और किसी चीज़ के लिए नहीं, वो अपने पोते के प्यार में कर रहे हैं ये सब चीज़ें जो बैठे हैं, वो बिल्कुल भी विश्वास जल्दी नहीं करते हैं मतलब इन सब चीज़ों पे। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी होता है कि हाँ बच्चों के प्यार में इंसान कर लेता है। और ये यहाँ पे इनके पूरी मैं नहीं कर रही हूँ, आप लोग सोचो कि मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, ये क्यों कर रहे हैं ये सब चीज़ें बनाना, इसको कहते हैं पिंड बनाने, ये चावल के आटे के बने हैं, जौ के आटे के बने हैं और तिल के बने हैं, ये सारी चीज़ें आपको बनानी होती हैं और आपको करना होता है। मैं इसलिए करा रही हूँ इनसे क्योंकि मम्मी के लिए पूजा है तो ये जब करेंगे तो ज़्यादा अच्छा कनेक्शन होता है, ज़्यादा अच्छा कनेक्टेड फील होता है। तभी ये हुआ कि पंडित जी ने कहा नहीं आप ही बैठ के करो, तो बस अब भगवान की यही है कि भगवान जो भी मतलब सब कुछ बस अच्छा अच्छा सा हो जाए। और क्या आप जाओगे गंगा जी में नहा के फिर आप आओगे बैठोगे पूरी पूजा करोगे, फिर जो तीन आपको मटके दिखाई दे रहे हैं ये ब्रह्मा विष्णु ये तीनों बनाए जाते हैं और इनकी ही पूजा की जाती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि पूरी सृष्टि उन्हीं से बनी है, तो आत्मा हो परमात्मा हो चाहे जो हो, तो इसी वजह से इस पूरी पूजा में ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की पूजा की जाती है। सारी पूजा जो होती है वो आप पूरब में बैठ के करते हो, लेकिन ये ऐसी पूजा है जो आप दक्षिण की तरफ फेस करके बैठोगे तो करोगे। उसके बाद पूजा खत्म होने के बाद भी आप जाओगे और नहा के आओगे और ये कपड़े फिर छोड़ दिए जाते हैं, दोबारा नहीं दिए जाते हैं। तो बस पूजा हो रही है और मुझे जैसे पूजा में बैठना नहीं है, ये पूजा की तैयारी करा रहे हैं, पूजा पापा को ही करनी है तो पापा कर रहे हैं। हायराम आपने क्यों पानी गंदा कर दिया बेटू, चिड़िया क्या पिएगी? अब देखो कुछ तो बच्चे करेंगे, अब क्या करेंगे बच्चा हमारा, कुछ तो खेलने के लिए उसको चाहिए। अभी तो पता है इतनी सारी यहाँ पे चिड़िया हैं, इतनी सारी, अभी तो मेरी गाड़ी के नीचे से बैठी है क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है और बस अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये है ना ऐसे करके सारे पंडाल होते हैं और आप जहाँ के हैं आपको वहाँ के पंडा मिल जाते हैं जहाँ पे आप उनसे पूजा करा सकते हो। तो और एक काम और आप कर सकते हो, अगर आपके भी घर में बेवजह लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो और आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप एक बार अपनी कुंडली को ज़रूर चेक कराइएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें पितृ दोष अगर आपको लगा है तो ये चीज़ें तब बहुत बाधा डालती हैं। आपके बच्चे नहीं हो रहे हों, हो रहे हों तो उन्हें दिक्कत हो जा रही हो, मिसकैरेज हो जा रहा हो, क्योंकि ये अगर पितृ दोष है तो सबसे ज़्यादा घर में कलह कलेश होता है,
घर की तरक्की नहीं हो पाती है, घर के लोगों में लड़ाइयाँ होती हैं, वंश आगे अगर आपका बढ़ना हो मतलब का बेबी होना होता है तो दिक्कत होती है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इस दोष के तहत, और ये दोष नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे जो पूर्वज हैं वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि आप हमारा नाम लो, आप हम उन्हीं के वंशज हैं, और अगर हम उन्हीं को ही भूल जाएंगे तो सोचो उन्हें कैसा लगेगा। तो बस सिंपल सी चीज़ यही है कि हमें अपने बुज़ुर्गों को याद करते रहना चाहिए, वो सिर्फ हमें यही कहते हैं कि आप हमें याद करते रहो। पता है ये भी नहीं मानते थे, लेकिन इनसे मैंने यही चीज़ कहा, मैंने कहा एक बात बताओ, मेरा बच्चा जीता जागता उसमें मेरी जान बसती है ना, उसको अगर एक खरोंच भी लग जाती है तो मतलब मेरा अंदर तक मैं डर जाती हूँ, हर एक माँ डर जाती है, हर एक माँ के साथ यही होता है। और वो इंसान जो अपने 3 बच्चे छोड़ के चली गई, तुम सोचो उनका वो उनका कितना मन रहता होगा उन 3 बच्चों के साथ में, वो कैसे गई होंगी, आप खुद सोचो कि कोई भी औरत नहीं, उसको सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि हायरा मेरे बच्चों का क्या होगा मेरे जाने के बाद, तो सोचो तो उनका मन कैसे लगा होगा। तो यही है, फिर वो बच्चे अगर उनको सही से याद ना करें, बच्चे उन्हें प्यार ना करें, तो उनका मन थोड़ा सा तो उदास हो जाएगा ना। पूर्वज भी हैं, माता पिता भी हैं, अगर आपके चले गए तो सोचो अगर बच्चे उन्हें याद नहीं करेंगे तो कैसा लगेगा। बस यही चीज़ है और कुछ भी नहीं है। तो पूर्वज हमें कभी कभी कहते हैं कि हमें थोड़ा सा याद कर लो, और यहाँ पे ये गाय का दूध है, ये कच्चा गाय का दूध है जिससे जलाभिषेक हो रहा है, और इसके बाद बस पूजा ऑलमोस्ट ख़त्म है, फिर पापा जाएंगे, दोबारा से जाएंगे, अच्छे से नहा के आएंगे, और इसके सामान के लिए बाप रे बहुत सारा सामान हम गाड़ी में लेके गए थे, घर से गए थे, इसलिए बहुत सारा सामान हमें मिल गया था। बट अगर आप बाहर से पूजा कराने आते हो तो हाँ थोड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ पे ये जो बैठे हैं ये पंडित जी पांडा इनको बोलते हैं, यानी कि ये दान लेते हैं, हर पूजा का एक अलग दान होता है, यानी राहू की पूजा, केतु की पूजा, शनि की पूजा, उन सब का दान लेने के लिए अलग अलग पंडा होते हैं जो दान लेते हैं। हर कोई राहु का दान नहीं लेता है, हर कोई दान ये वाला भी नहीं लेता है पितरों का, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे मैंने भी जानी है, आप लोगों को भी पता होंगी, वैसे मैंने कहा बता देती हूँ। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है, पूजा समाप्त होती है, भगवान आप सबको खुश रखे, समृद्ध रखे।